ये मैंने चाइनीज पॉकेट को खोल दिया है और इसकी हालत आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदी है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो चैन इस पॉकेट है वो चेंज होगी, इसकी जो ड्रम रबर है, ड्रम रबर पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखना, आगे वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। तो आज मेरे पास हीरो होंडा की पैशन प्रो मतलब ओल्ड मॉडल बाइक है, जिसका जो मीटर है कुछ इस तरीके से आता है, ये देखो। तो इसकी जो चैन स्पॉकेट है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, तो चैन स्पॉकेट इसकी हम चेंज कर रहे हैं। बाकी हालत आप लोग इसकी देख सकते हो, इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है। और इस पॉकेट के दांतें पूरे पतले हो गए, कट गए, देखो यहाँ पे पूरे पतले भी हो गए और कट गए। पूरी चैन इस पॉकेट पे जो बैठ के नहीं चल रही, मतलब जब दांतें हैं जो इसके हाथ लगा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल पतले पतले हैं, हाथ कट जा रहे। तो अभी क्या करेंगे, इसकी चैन इस पॉकेट चेंज करेंगे। चैन इस पॉकेट ये है कम्प्लीट, हमने इसको ओपन कर दिया। मैंने क्या ओपन कर दिया, कस्टमर ने ओपन कर दिया। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन से कंपनी की चैन इस पॉकेट डाल रहे हैं और इसको कैसे चेंज करना है। व्हील हमने पहले ही खोल दिया था, अब इसकी जो चैन है, चैन को मैं बाहर लेता हूँ। देखो फंस जा रही चैन, देखो मैं इस तरीके से अगर घुमाऊँगा तो चैन देखना फंस जाएगी। ये देखो, ये फंस रही ना, ये देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। चैन इस पॉकेट पूरी ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो इसकी चैन स्पॉकेट होगी चेंज, कौन सी लगेगी पूरी जानकारी मिलेगी आप लोगों को वीडियो में। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लॉक निकाल के मैं इसका जो लॉक था वो मैंने निकाल दिया, अब चैन निकल जाएगी। इसकी चैन निकल गई, अभी फ्रंट स्पॉकेट जो है वो खुलेगी। फ्रंट स्पॉकेट में 10 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, बाइक को गियर में डालना है और चैन के दोनों बोल्ट जो है खोल देना है। इतना ज़्यादा काला है कि दिख नहीं रही स्पॉकेट लगी है कि नहीं लगी है, है ना। चलो खोलते हैं, अब इस पॉकेट को निकाल लेते हैं आराम से बाहर। यहाँ पे ये निकल गई पूरी बाहर, ये पूरा क्लीन होगा, पूरा क्लीन होगा। उसके बाद नई चैन इस पॉकेट इस बाइक में फिटिंग होगी, देखो। और ये रही पुरानी वाली इस पॉकेट। तो चलो, इसके जो दांते तो आप लोग देख ही सकते हो पूरे ख़त्म हो चुके हैं दांते, और इसमें बचा कुछ भी नहीं है। और पीछे वाली इस पॉकेट को खोलते हैं, पीछे वाली इस पॉकेट में जो है 23 नंबर का बोल्ट लगा होता है। तो 23 नंबर का बोल्ट पाना लेते हैं और इसे लूज करके पूरा खोल लेते हैं। पीछे वाली जो स्पॉकेट है वो भी निकल गई है, इसे खोलते हैं। 4 जो बोल्ट इसे खोलते हैं। इसकी कपलिंग रबर देख लो, कपलिंग रबर जो है पूरी खराब हो चुकी है, ये देखो। अब इसकी स्पॉकेट खोलना पड़ेगा, खोलते हैं। और हाफ एक्सल चेंज होगा, हाफ एक्सल खराब हो गया, पूरा खराब है। उसकी जो चूड़ी खराब हो चुकी है, हाफ एक्सल भी चेंज करना पड़ेगा। और इसकी चैन स्पॉकेट और पीछे की जो ड्रम रबर है वो, तो चलो 4 बोल्ट को खोलते हैं और इस पॉकेट को बाहर निकालते हैं। ड्रम में फंसा के खोलना है। चारों बोल्ट खोलने के बाद इस पॉकेट को बाहर निकाल लेंगे। 12-13 नंबर का पाना लगता है इस पॉकेट के 4 बोल्ट खोलने में, ये निकल जाएगी इस पॉकेट बाहर। चलो, ये वाशर लगे हुए इस पर, तो वाशर में निकाल लेता हूँ दोनों। और इसका ये पूरी इस पॉकेट चेंज होगी, चैन, फ्रंट इस पॉकेट, रियर इस पॉकेट, और ये पूरा क्लीन होगा। और जिसका हाफ एक्सल है, हाफ एक्सल चेंज होगी। ये पूरा बहुत ज़्यादा गंदा है यार, इतने ज़्यादा गंदे पे इसके इस पॉकेट तो फिट नहीं कर सकते। चलो, ये रखी हुई इस पॉकेट पहले क्लीन करते हैं और फिर फिटिंग करते हैं। अभी हमने सारा कुछ क्लीन कर दिया। इसकी जो बैरिंग है, बैरिंग पर ग्रीसिंग कर दी है, देखो। जो इस पॉकेट की बैरिंग अच्छी थी, चेक किया, बैरिंग अच्छी थी, ग्रीसिंग कर दिया। और इसका हाफ एक्सल ये रहा जो मैंने बताया था आप लोगों को, चेंज करेंगे हाफ एक्सल। इसका ये एक्सल ख़राब हो चुका है, तो इसमें नया हाफ एक्सल पड़ेगा। और ये इसकी जो है वो पैकिंग है, ऑयल सील जो डस्ट रोकती है, ये यहाँ पे लगेगा। पहले इसमें इस पॉकेट फिटिंग कर लेते हैं। ये नई इस पॉकेट और इसकी कपलिंग रबर, ये रही ड्रम रबर, सुपर स्प्लेंडर, 4 रबर हैं। चारों को बैठा लेते हैं पहले और फिर उसके ऊपर बैठाएंगे ड्रम, ड्रम के ऊपर लगाएंगे इस पॉकेट। इसको इस तरीके से बैठाना है, देखो ये बैठ गई रबर। अब ये इस पॉकेट फिटिंग करते हैं। चलो, ये रही। इसमें एक अच्छा ये रहता है कि इसका जो नट बोल्ट है वो साथ में मिल जाता है, रोलन की
रोलन की स्पॉकेट में, ये चैन है बड़ी स्पॉकेट छोटी स्पॉकेट। चलो बड़ी स्पॉकेट पहले लगाते हैं। और इसका जो ड्रम है ये रहा, इसको रबर पे बैठाएंगे, बैठ गया। इस पॉकेट को बैठाएंगे, इस पॉकेट देख लो इसी तरीके से फिटिंग करना है इस पॉकेट के। यहाँ पे लिखा हुआ जो बाहर की साइड में रखना है, और चार बोल्ट इसके लगा के फुल टाइट कर देना है। चलो मैं इन चारों बोल्ट को कंप्लीट फुल टाइट कर लेता हूँ। अभी हमने इसकी इस पॉकेट कंप्लीट कर दी है। ये हाफ एक्सल है, हाफ एक्सल में हल्का सा लगाएंगे ग्रीस इस साइड में, और इसको पीछे साइड से लगाएंगे इस साइड से। ये बैरिंग चेक कर लेना, अगर बैरिंग ख़राब है तो बैरिंग जरूर चेंज कर देना। अगर बैरिंग ख़राब है इस पॉकेट की तो व्हील की भी हमने चेक कर लिया, व्हील में भी बैरिंग के ग्रीसिंग कर दी है। ये इस पॉकेट को बाइक में फिटिंग करते हैं। चलो यहाँ पे लगाते हैं इसका जो ये एडजस्टर है, एडजस्टर को लूज कर लेना, जो मैंने पहले ही लूज करके रखा हुआ हूँ एडजस्टर को। और इसका जो बोल्ट है लगाते हैं। बोल्ट हमने अभी टाइट नहीं किया, 23 नंबर का बोल्ट पूरा लूज ही है। पहले इसकी चैन हटाते हैं यहाँ से, और जो इसका व्हील है व्हील को फंसा लेते हैं, सिर्फ व्हील को फंसाते हैं, एक्सल लगाते हैं, एक्सल डाल देते हैं, और उसके बाद इसकी जो चैन है वो कंप्लीट करेंगे। अभी हमने एक्सल डाल दिया, व्हील को फंसा दिया, देखो कुछ भी टाइट नहीं है, सिर्फ इस साइड का रजिस्टर लगाया और जो बोल्ट है वो हल्का सा टाइट किया है, लूज ही है, बाद में टाइट करेंगे। पहले इस साइड में आते हैं, इसकी फ्रंट इस पॉकेट लगाते हैं। एडजस्टर के जो सेटिंग है वो बाद में दिखाऊंगा। ये रे फ्रंट इस पॉकेट, देखो रोलन की अगर इस पॉकेट डाल रहे हो चाइनीज, ये पूरा क्लीन किया हुआ है, देखो पूरा बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन कर रहे हैं बहुत जरूरी है, जरूरी है नहीं कि नई चाइनीज पॉकेट डाल रहे हैं। तो ये इस पॉकेट पर जो दो बोल्ट और पट्टी की मैं बात कर रहा था, ये जो चाइनीज पॉकेट है सिर्फ रोलन में ही मेरे ख्याल से आते हैं ये लॉक और बोल्ट, बाकी और किसी कंपनी में नहीं आते हैं ये पट्टी और बोल्ट। तो ये अच्छा है, रोलन कंपनी जो बढ़िया देती है, बोल्ट और नट बोल्ट दोनों साथ में दे देती है। तो यहाँ पे हम जिधर लिखा हुआ उसको बाहर की साइड में रखेंगे, और ये जो रोलन की चैन इस पॉकेट आती है फ्रंट वाली, इसका जो साफ्ट है साफ्ट में बहुत मतलब अच्छे से बैठती है, टाइट बैठती है, लूज नहीं होती है, ये देखो लूज ही नहीं है। इसका बोल्ट लगा के टाइट कर देते हैं गियर पे डाल के। तो मैंने फ्रंट वाली इस पॉकेट लगा दिया, बस बोल्ट टाइट करने हैं, गियर पे बाइक डाल देना है, बोल्ट टाइट कर लेना है, और खोलते टाइम पे गियर पे डाल लेना है, खोल लेना है। तो न्यूट्रल कर लेते हैं, ये कंप्लीट हो गई है। इसकी जो चैन है, चैन को अब मैं चढ़ा लेता हूँ, ये चरी चैन साथ में आती है। तो चलो इसको मैं चैन को चढ़ा लेता हूँ, लॉक लगा लेता हूँ चैन का, उसके बाद चैन को टाइट करते हैं, इतना कर लेते हैं। अभी हमने चैन को लगा दिया, लॉक भी लगा दिया, भी इसकी चैन बहुत ज़्यादा लूज है, और चैन पे लूब लगा हुआ रहता है, तो चैन पे लूब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो बहुत ज़्यादा लूज है, तो इसको करना पड़ेगा टाइट। एडजस्टर हमने लूज किया था, यहाँ पे दो पे सेट है, और इसी के हिसाब से तीन या ढाई पे लाएंगे, ढाई या तीन पे लेके आएंगे तो इसकी चैन प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन दोनों साइड से उतने पे ही लेना है। चलो मैं इसकी चैन एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं प्रॉपर चैन की सेटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जो एडजस्टर लगा हुआ है, यहाँ से गिनना एक दो ढाई, मतलब ढाई के थोड़ा सा आगे, और इस साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ, तो इस साइड में भी देखो वन टू, मतलब ढाई के थोड़ा सा आगे है। तो दोनों तरफ से अगर एडजस्टर सही आप लोगों का टाइट है, एडजस्ट सही है, दोनों साइड का लेवल सेम है, तो इससे चैन इस पॉकेट काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, चैन इस पॉकेट आवाज़ नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि व्हील जो है, व्हील मतलब तिरछा नहीं रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा व्हील। थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं, लूज थी चैन। तो दोनों साइड से जो एडजस्टर है एक ही हिसाब से रखना है, जितना इस साइड का उतना ही हमको उस साइड का रख देना है। अढ़ाई पे हमने इधर सेट किया, तो अढ़ाई पे उधर भी होना चाहिए, इससे व्हील की बैलेंसिंग आउट नहीं होती है। चलो इसकी चैन सेटिंग हो चुकी है, चैन का जो बोल्ट है ये वाला टाइट कर लेते हैं, इसके बाद इसका व्हील फिटिंग करना है, क्योंकि व्हील सिर्फ फंसाया, फिटिंग नहीं किया, तो फिटिंग करते हैं व्हील को। चैन अडजस्ट हो चुकी है, तो ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है जो मैंने आप लोगों को बताया चैन अडजस्टर की, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया अडजस्टर किसने कितने पे रखना है।
चैन को देखना, चैन में हल्की प्ले होनी चाहिए और रजिस्टर दोनों साइड का रजिस्टर चेक कर लेना सेम है, उतना ही टाइट है। अभी इसका व्हील कंप्लीट कर लेते हैं, फिटिंग फिटिंग करने के बाद मिलते हैं। तो अभी हमने व्हील कंप्लीट कर लिया है, व्हील के सारे बोल्ट, ब्रेक के और ड्रम प्लेट वाले सारे टाइट हो चुके हैं, चैन एडजस्ट हो चुकी है, चैन स्पॉकेट हो चुकी है फिटिंग। अगर यहाँ से आवाज़ आए, फ्रंट स्पॉकेट से अगर आवाज़ आए, तो हल्का सा इस शाफ्ट में इंजन ऑयल डाल लेना, इससे जो कट कट की आवाज़ है वो चली जाएगी। देखो मैं हल्का सा इस पर इंजन ऑयल डाला, व्हील घुमा रहा हूँ, कोई साउंड नहीं है, कट कट का साउंड आया करता है, वो साउंड चला जाएगा। बाकी इसमें लुब्रिकेंट है तो इस पर कोई भी लुब्रिकेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चैन स्पॉकेट पे भी कंप्लीट हो चुकी है बाइक, चैन स्पॉकेट फिटिंग हो चुकी है। जो चैन स्पॉकेट थी वो रोलन कंपनी की थी, और इसकी जो कौन कौन से बाइक में लग जाएगी, देखो यहाँ पे पैशन प्लस अलाव व्हील जनवरी 2006 की जो पैशन प्रो है यही है, इसमें लग जाएगी। पैशन प्रो सी डी डिलक्स अलाव व्हील आई स्मार्ट स्प्लेंडर NXG स्प्लेंडर पैशन प्रो 100cc न्यू स्प्लेंडर जो BS6 है उसमें भी यही स्पॉकेट लगेगी, स्प्लेंडर BS6 यही स्पॉकेट। तो इसकी प्राइस चाहिए तो 10 कमेंट्स कर दो, मैं प्राइस आप लोगों को बता दूंगा कि इसकी प्राइस कितनी है। बाकी फिटिंग करना है, कंप्लीट करते हैं बाइक को, और ये वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10 कमेंट्स कर दोगे तो जो इसकी प्राइस है रोलन वाली चैन स्पॉकेट की, प्राइस मैं आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगा, लेकिन 10 कमेंट्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।